इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। हम लगातार आपको बता रहे हैं ये जो पीडीएम है जो शहबाज सरकार की सहयोगी पार्टी है इसके कार्यकर्ताओं ने इस तरह सुप्रीम कोर्ट के गेट पर वो चढ़ गए और ये तस्वीरें हैरान करती हैं कि ये गेट बंद था और ये कार्यकर्ता दूसरी तरफ जाने के लिए गेट पर चढ़े और इस तरह बवाल यहाँ पर मचा, हंगामा इतना बरपा कि देख सकते हैं जैसे ही गेट खुला और बड़ी तादाद में अंदर जाते हुए भी दिखाई दिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पीडीएम का धरना प्रदर्शन, इमरान को राहत देने के खिलाफ दरअसल ये धरना दिया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में पीएमएलएन मार्च निकाला गया इनके वर्कर्स की तरफ से, इनके सपोर्टर्स की तरफ से, और बवाल जबरदस्त मचा हुआ है। पाकिस्तान में धारा 144 लागू है लेकिन हालात खराब क्यों हो रहे हैं, पुलिस कर क्या रही है, क्यों काबू में कर नहीं पा रही। 10 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं बवाल से जुड़ी हुई, जिससे आपको पता लग पाएगा कि पाकिस्तान में आज इमरान खान के खिलाफ किस कदर प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए 10 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये जो समर्थक हैं वो ये पीडीएम कार्यकर्ता है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है, बिग वॉल के जरिए आइए बड़ी डिटेल्स आपको तक पहुंचाते हैं क्यों आखिर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ज्यादा लोकप्रिय हो गए और देखा गया कि उनके समर्थन में पूरा पाकिस्तान ही उतर आया। इमरान खान की लोकप्रियता से शहबाज सरकार दरअसल बौखलाई हुई है, डरी हुई है और डर के तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं कि इमरान की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इमरजेंसी लगाई गई है तो इमरान को नुकसान होगा अगर इमरजेंसी लगाई गई, ये आकलन किया जा रहा है शहबाज सरकार की तरफ से। साल के अंत में होने वाले चुनाव में देरी की जा सकती है ताकि इमरान पार्टिसिपेट ना कर सकें क्योंकि कई मामले उन पर दर्ज है। साल के अंत में होने वाले चुनाव में देरी की जा सकती है और ये एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत शहबाज सरकार की देखा जा रहा है। तो इमरान खान की मुश्किलें तो बड़ी हैं और विरोध भी तेज होता जा रहा है। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, उनके पास चलेंगे। गुलाम, एक तरफ देखा जा रहा है कि धारा 144 लागू है लेकिन जो शहबाज सरकार के समर्थक हैं मसलन पीडीएम कार्यकर्ता वो मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के गेट तक जा चढ़े, अभी इस वक्त हालात आप क्या देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पुलिस फैसिलिटेट करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको पहले बता दूं, बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की पत्नी है उनको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है 23 मई तक। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अभी पेश हुए थे, इमरान खान की अभी प्रोटेक्शन बेल पर डिसीजन नहीं आया है लेकिन बुशरा बीबी को 23 मई तक लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन बेल दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अभी इमरान खान की प्रोटेक्शन बेल की हियरिंग जो है वो चल रही है, उस पर क्या आता है वो बाद में जैसे ही आएगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो आप सवाल कर रही थी, इस्लामाबाद में पीडीएम के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में जब पहुंचे और जैसे ही रेड जोन में दाखिल होने के लिए सरीना चौक से वो आए तो पुलिस हमें नहीं दिखाई दी और उन्होंने गेट्स जो थे रेड जोन के वो फलांगे, वो तोड़े, वो खोले और उसके बाद वो अंदर आ गए। इस समय वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, वो चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको एक और बता दूं कि अब पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा था उसमें एक रेजोल्यूशन पास की गई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने की रेजोल्यूशन है ये, और वो पास कर ली गई है। यानी कि अब पाकिस्तान की सरकार चीफ जस्टिस को हटाने के लिए उनके पद से रेफरेंस फाइल करेगी और ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा जहां पर चीफ जस्टिस के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये रेफरेंस फाइल किया जाएगा कि उनको हटाया जाए। लेकिन गुलाम हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं, शहबाज सरकार दरअसल बौखलाई हुई है। ये दरअसल जो आकलन किया जा रहा है कि इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है इसलिए ये डर है कि इमरान खान को रोका जाए, उनका विरोध किया जाए, उनके घटक दल जो हैं पीडीएम जो है उनके कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक जा चढ़े और ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर।
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि कभी हमने किसी देश में ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान की सरकार के सरकार में जो मौजूद पार्टियां हो वो प्रोटेस्ट कर रही हो। तो यहां पे सरकार प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो ये एक अनोखी चीज है, ये एक अनोखी नई चीज है कि जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार प्रोटेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और ये आगे आने वाले दिनों में हालात मज़ीद पहले इमरान खान के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे थे तब हालात बिगड़े, अब सरकार के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब हालात और बिगड़ रहे हैं। इस बीच इमरान खान ने ललकार दिया है, चुनौती दे दी है कि मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा।